नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे टेक्निकल दानो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट को चेक कर पाएंगे ऑनलाइन। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको SBI का बताने वाला हूं। अगर आप किसी दूसरे बैंक का यूज करते हो तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर पे आ जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है ऑनलाइन SBI। जैसे आप ऑनलाइन SBI लिख कर सर्च करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको SBI का URL मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको मोबाइल पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट को आपको यहाँ पर आपको चूज कर लेना है ताकि आपको सभी चीज़ें दिखने लगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पर्सनल बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, पर्सनल बैंकिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप पर्सनल बैंकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको लॉगिन, नीचे यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे दोबारा से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम को यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है और पासवर्ड और नीचे का कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको एंटर करना है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि यूजर नेम क्या है और पासवर्ड क्या है तो दोस्तों उसके ऊपर मैं आपको नेट बैंकिंग का एक वीडियो बना के पहले से रख चुका हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख लेना। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और नीचे आपको कैप्चा कोड एंटर करके आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम सभी डिटेल्स एंटर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे SBI का पर्सनल बैंकिंग का वेब पोर्टल पे। और दोस्तों यहाँ पर कोई इस तरह सा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आपको अकाउंट स्टेटमेंट चेक करने के लिए माय अकाउंट एंड प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको अकाउंट समरी और अकाउंट स्टेटमेंट ऑप्शन है, तो हमको तो अकाउंट स्टेटमेंट देखना है इसीलिए हम अकाउंट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों हम जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर और अकाउंट टाइम, उसके बाद ब्रांच आ चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर बाय डेट, बाय मंथ, लास्ट 6 मंथ, उसके बाद FY या फिर PPF अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाता है, आप 4 ऑप्शन के जरिए अपना जो मिनी स्टेटमेंट बोल सकते हो या फिर अकाउंट स्टेटमेंट बोल सकते हो उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाय डेट के जरिए देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टार्ट डेट डालना है, उसके बाद आपको एंड डेट चूज करना है, जो भी लास्ट डेट आप देखना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो व्यू वाले यहाँ पर डाउनलोड PDF भी कर सकते हो या फिर MS Excel में भी फॉर्मेट में भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आता है दोस्तों बाय मंथ, यहाँ पर आपको अगर आपको इस भी मंथ का देखना है तो यहाँ पर मंथ का चूज कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मंथ का देखना है उसको आपको चूज कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चूज करना है मंथ, उसके बाद नीचे यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको व्यू डाउनलोड वाले जो भी फॉर्मेट में आप देखना चाहते हो उसको चूज करके आपको गो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका जो PDF है डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है लास्ट 6 मंथ का, अगर आप लास्ट 6 मंथ का देखना चाहते हो तो दोस्तों उसको सिलेक्ट करके आप जो भी फॉर्मेट में डाउनलोड करना है उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद गो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आता है PDF वाला, तो यहाँ पर आपको बाद में बताएंगे, जो FFF वाला प्रोविडेंट फंड वाला है दोस्तों वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बाय मंथ के जरिए आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मंथ चूज करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको व्यू वाले ऑप्शन पे या फिर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हो उसको आपको चूज करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ डाउनलोड, तो डाउनलोड चूज करके मैं गो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों गो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मेरा जो डाउनलोड होना हो चुका है और यहाँ पर मेरे को डाउनलोड होकर PDF के माध्यम से मेरे को जो भी जितने भी ट्रांजेक्शन था अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऐसे ही देखने के लिए मिल जाता है अपना अकाउंट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपना SBI बैंक अकाउंट का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को चेक कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको लगता है कि इस वीडियो हेल्पफुल हो सके तो दोस्तों जरूर से जरूर इस वीडियो को आप WhatsApp से शेयर कीजिए अपना फ्रेंड या फिर अपना फैमिली मेंबर के साथ। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद में आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।